हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग जो होने वाला है वो फुल ऑन पूजा स्पेशल ब्लॉग होने वाला है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरा वीडियो ब्लेज लाइफ ब्लॉग एंजॉय कर सकें। डेली लाइफ रूटीन मेरा जो भी रहता है वही सब आप सबको देखने को मिलेगा। तो जी चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो अभी यहाँ पे हो रखा है आफ्टरनून का टाइम, मतलब आफ्टरनून कह सकते हैं या फिर इवनिंग कह सकते हैं, क्योंकि मैंने ब्लॉग जो स्टार्ट किया था वो किया था 3:30 बजे से और काफ़ी देर से लगी हुई थी मैं इसकी वीडियो के एडिटिंग करने में, वॉइस ओवर करने में। हमारे घर में बहुत ज़्यादा शोर होता है जिस वजह से मुझे स्पेस देखना पड़ता है कि मैं कहाँ जाकर वीडियो का वॉइस ओवर करूँ, क्योंकि ना खटपट की आवाज़ आती है, फिर लाउडली बोलते हैं बहुत तेज़। तो वीडियो में अगर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ एक्स्ट्रा वॉइस भी रहेगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसीलिए वीडियो मेरा थोड़ा सा लेट जा रहा है आज। वैसे तो 6-7 बजे तक वीडियो मेरा आ जाता है बट आज थोड़ा लेट होगा वीडियो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने नहा लिया था एंड नहाने के बाद मैं अपने कपड़े जो है हमेशा हाथ से धोती हूँ, क्योंकि मुझे मशीन में कपड़े धोना अलाउड नहीं है। तो इसीलिए मैं अपने कपड़े हाथ से धोती हूँ। अब आप लोग सोचेंगे कि अलाउड क्यों नहीं है, घर में मशीन है, सारे काम ये करती है तो अलाउड क्यों नहीं है। तो उसका भी कुछ रीज़न है बट इतना डीपली मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि मैं सबके कपड़े तो धो देती हूँ मशीन में, बट मैं जब मेरी खुद की बारी आती है कपड़े वॉश करने की तो मुझे अपने कपड़े हाथ से धोने पड़ते हैं। बट हाँ, मैं सुखा लेती हूँ, चाहे आप एक कहते हैं ना कि बेशर्मी लगा लो या कुछ भी लगा लो, तो इस रीजन से मैं अपने कपड़े जो है मशीन में सुखा लेती हूँ, क्योंकि जल्दी नहीं सूखते हैं और अभी तो मौसम भी चेंज हो गया है तो धूप भी उतनी तेज नहीं होती है, जिस वजह से कपड़े टाइम टू टाइम नहीं सूख पाते हैं। तो मैंने हेयर वॉश किया था, उसके बाद हेयर ड्राई करके ना मैं ऐसे ही अपने बालों को बांध ली, सूखा नहीं पाई थी क्योंकि काम मैं ऑलरेडी लेट थी। और फिर यहाँ पे चाय जो है सुखे पापा ने चढ़ाई थी, मैं जब तक ना गई उन्होंने बोला चाय चढ़ा रखी है तो उसको संभाल लेना, मैंने बोला ठीक है संभाल लूंगी। और उसके बाद में फिर जब ये चाय हो गई तो मैं सबको सर्व करके दे दूंगी और फिर उसके बाद में हम लगेंगे शाम का जो पूजा का खाना बनेगा ना उसकी प्रिपरेशन में लग जाएंगे, क्योंकि 6-7 बजे तक जो रहता है पूजा पाठ करने के बाद फिर मेरे ससुर जी ड्यूटी जाते हैं, तो इसीलिए मैं 4 बजे से लगी थी खाना बनाने में। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो जी आज है गोवर्धन, तो हमारे घर पे होती है गोवर्धन की पूजा, तो कैसे होगी वह मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी। तो वीडियो जस्ट अभी स्टार्ट कर रही हूँ, आफ्टरनून या फिर आप इवनिंग कुछ भी कह सकते हो, ना ही आफ्टरनून है ना इवनिंग है। तो 3:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं वीडियो जस्ट अभी स्टार्ट कर रही हूँ। नहा लिया था, कपड़े वगैरह बहुत सारे थे जो वॉश किए हैं और रात में रिसेंटली हो गई थी यक्सु की तबीयत ख़राब, जिस वजह से मैं हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा और हॉस्पिटल से आते आते हमें बज गए थे 5। फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट वगैरह की, मतलब 8 बजे तक, और उसके बाद मैं फिर आज थोड़ा देर से उठी ना तो सुबह का कुछ सूट भी नहीं हुआ कि मैंने कैसे क्या, हमारे घर में जब मैं सो के उठी तो मम्मी ने गोवर्धन रख लिए थे तो वो सूट नहीं हुआ है। तो अभी आपको दिखा देती हूँ मैं, और हमारे जो पूजा की थाली कल लगती है ना वही थाली आज भी इस्तेमाल में होगी, तो बस वही सारा रहता है, देखते हैं कैसे हो, क्या होगा कैसे नहीं होगा। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आपको दिखा देती थोड़ी सी तैयारी, फिर मैं लगती हूँ आज खाने में, जो भोग लगेगा वो बनाना है और उसके बाद में फिर अपने काम की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो दिवाली वाले दिन जिस थाली से पूजा की जाती है, पूजन किया जाता है, वही थाली सेम गोवर्धन में भी इस्तेमाल होती है, सेम वही सामग्री इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर ये गोवर्धन बिठाया हुआ था जो मैं आपको सुबह में नहीं दिखा पाई थी बिठाते टाइम, क्योंकि मैं उस वक्त सो रही थी और दिवाली वाले दिन ना यक्षु की तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, सडनली 12 बजे के बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो हमने सोचा कि घर में ठीक हो जाए बट नहीं हुआ, तो जब बर्दाश्त नहीं होता तब बच्चे को बाहर लेकर जाया जाता है। और यहाँ पे थोड़ा गांव एरिया में वैसे तो नहीं करना चाहिए बट हाँ, ये हवा विहार जादू टोने वगैरह थोड़े ज़्यादा चलते हैं तो इस वजह से थोड़ा डर लगता है। तो हम लोग काफ़ी देर वेट करने के बाद, जैसे घरेलू नुस्खे होते हैं
कान में तेल गरम करके डालना, एक्स्ट्रा मेरे पास मेडिसिंस थी वो मैंने डाली, पेन किलर भी दी इसको बट आराम नहीं हुआ। तो उसके बाद हम इसको हॉस्पिटल लेकर गए इमरजेंसी वार्ड में, तो वहाँ पे डॉक्टर ने मतलब संभाला और इंजेक्शन वगैरह लगाया। उसके बाद में मतलब जब थोड़ा सा आराम हो गया ना तो फिर मैं इसको घर ले आई थी। तो 5:30 बजे आने के बाद हम लोग थोड़ी देर सो गए थे, तो 8 बजे करीब मैं सोकर उठी, तो जिस वजह से जो सुबह सुबह इन्होंने जो किया होगा वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो अभी हमने चाय वगैरह ले ली थी और उसके बाद में मैं लग रही हूँ यहाँ पे शाम के खाने की प्रिपरेशन करने में। तो 2 तरह की सब्जी बनानी है, तो पहले मैं वो बनाने वाली हूँ जो भोग में लगेगी सब्जी, बिना प्याज लहसुन प्याज वाली, और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी जो प्याज लगे डालेगा, जिसमें मतलब 2 तरह की सब्जी दो लोग खाने वाले हैं। बाबा तो खाने वाले थे आलू गोभी की सब्जी जो मुझे बनानी थी, और हस्बैंड जी बोले मैं खाऊँगा पनीर, तो फिर उनके लिए मैंने बाद में पनीर बनाया था। गोभी मैं कैसे बनाती हूँ बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, और मैं जब गोभी को कट कर लेती हूँ उसके बाद में मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा स्टीम कर लेती, मतलब भाफ दे लेती हूँ या गर्म पानी में थोड़ा सा उबाल लेती हूँ, तो गोभी में जैसे स्मेल होती है वो निकल जाती है, अगर उसमें कुछ कीड़ा वगैरह होगा तो वो निकल कर ऊपर आ जाएगा। थोड़ा नमक डाल देना है पानी में, तो इसीलिए मैं ऐसे हमेशा करती हूँ, और आपको 1-2 बार मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, बट आप भी मैं फिलहाल में बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी, इसमें मैं डालूंगी जीरा, जीरा डालने के साथ टमाटर और हरी मिर्च डालूंगी, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ कि हम लोग मसाले ज़्यादा खाते नहीं हैं, गरम मसाले वगैरह जो होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा में नहीं, पर हाँ जैसे पनीर वगैरह मैं बना रही हूँ उसमें लग जाएगा, एक्स्ट्रा जो डेली सब्जी रहती है इसमें हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाते, सिर्फ धनिया पाउडर हल्दी नमक और जीरा बस इसका तड़का लगाया जाता है डेली में, और प्याज तो डलता ही डलता है, तो प्याज और टमाटर तो इसको तो क्या ही बोले, ये तो कंपलसरी रहता है हर सब्जी में जाना, और जब फास्टिंग के लिए बनाते हैं तो प्याज को स्किप किया जाता है, मतलब कि नहीं डाला जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो गोभी का मसाला था वो बनकर रेडी हो चुका था, और फिर उसके बाद जो मैंने गोभी को बॉईल किया था इसको फिर मैंने पानी से एक बार धोया, गर्म पानी को फेंक दिया, उसके बाद मैं सिर्फ साफ पानी से अच्छे पानी से धोया, धोने के बाद में फिर मैं यहाँ पे इसको डाल दी, और अब मैं कर रही हूँ खीर बनाने की तैयारी। तो मैं ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पे कूट रही थी क्योंकि मैं भिगोकर नहीं रखती, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, तो जो काजू था और बादाम था मैं इसको कूट लूँगी, कूटने से थोड़ा बुरादा टाइप का बन जाता है, क्योंकि वो जो एक मिक्सर सा आता है ना वो मेरा ख़राब हो रखा है ड्राई फ्रूट्स कट करने वाला, तो मैं इसी में कूट लेती हूँ। उसके बाद में ना कूटने के बाद फिर मैं साथ साथ में डाल दी हूँ यहाँ पे खीर, मैं दूर दूर जो बॉइल होता है उसमें ही डाल दी थी, चावल मैं भिगो कर रख लेती हूँ पहले से। शायद मैंने आप लोगों को कभी खीर की रेसिपी नहीं दी है, बट अभी कभी नेक्स्ट टाइम जब बनेगी तो मैं आप सबके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। आज मैं खाना थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बना रही थी, तो कुछ मैं स्किप कर दे रही थी, कुछ मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ बनाने के लिए रख दिया, और अब करते हैं तीसरी चीज़ की तैयारी, पनीर की सब्जी बनाने की तैयारी। तो ये पनीर था हमारा 1/2 किलो, इसको मैं पीसेस में मतलब स्लाइसिस में कट कर लूँगी। कट करने के बाद बहुत ज़्यादा डीपली मैंने इसकी रेसिपी नहीं शेयर कर पाई पनीर की, और आजकल पता नहीं क्या हो गया जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ा लड़खड़ाती है, मतलब कांपती सी है, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं जब खड़ी होती हूँ ना तो खड़े होते होते मुझे अचानक से चक्कर आ जाते हैं, एक तो टेंशन से हो जाता है बहुत बार, क्योंकि मुझे ना लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, तो मैं मेरे मायके में गई थी, थोड़ा मतलब दवाई वगैरह ली थी और थोड़ा कुछ दिन वहाँ स्टे किया था, तो माइंड मेरा फ्रेश हो गया था, और अभी फिर से वही सिचुएशन मेरी स्टार्ट हो रखी है। मैं मतलब मुझसे ना बर्डन जो लोग बोलते हैं ना वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो टेंशन से मेरे साथ में ऐसा होने लगता है, तो मेरा शरीर कांपने लगता है, मेरे को खड़े खड़े चक्कर आते हैं, मतलब मेरे दिमाग में जो फालतू की टेंशन जो रहती है ना वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे मैंने पनीर को बनाना स्टार्ट कर दिया, कट कर लिया था, गोभी को मैंने निकाल दिया कढ़ाई में से, क्योंकि मैं उसको पहले से हाफ बॉइल कर लेती हूँ ना तो वो जल्दी बन जाती है, और हाई बॉइल करने के बाद आप जैसे हम फ्राई करते हैं ना सेम उसी प्रोसीजर में जल्दी बन जाती है, 1-2 स्टीम लगानी पड़ती है, पानी ना ही डालें गोभी में बॉइल होने के बाद, तो वो जल्दी बन जाती है। सो यहाँ पे पनीर का मसाला बनाना स्टार्ट कर दिया, इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, तेज़पत्ता डाल दिया है, और बाकी के मसाले मैं कूट कर डालूंगी, जो खड़े मसाले आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब थोड़ी क्वान्टिटी में डालूंगी, जैसे मैं आपको बताती हूँ बार बार कि हम लोग हार्ड वाले मसाले नहीं खाते हैं, क्योंकि मसाले की सब्ज़ी उतनी ज़्यादा खा नहीं पाते हैं, पेट वगैरह ख़राब हो जाता है, और इन लोगों को थोड़ा एलर्जी भी है, और मेरे हस्बैंड को भी डायबिटीज़ है और मेरे ससुर जी को भी डायबिटीज़ है, तो इस वजह से थोड़ा स्किप करते हैं, क्योंकि 4 लोग हैं, 2-4 लोगों का अलग अलग डिमांड का तो खाना बन नहीं सकता, तो इसीलिए उनको उसी में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह अच्छे से फ्राई कर लिए थे, भून लिए थे, मतलब ब्राउन होने के बाद। देन उसके बाद में मैंने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद अब मैं इसमें मसाले मिक्स कर दूँगी, जो हमारे डेली में मसाले रहते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, बस यही सब। तो ये मिक्स हो गया, उसके बाद में फिर मैं इसको थोड़ी देर चलाकर ढककर छोड़ दूँगी। जब ये अच्छे से ग्रेवी बन जाएगी ना, पानी मतलब ऑयल छोड़ देगी, उसके बाद में मैं इसमें पनीर मिक्स करूँगी। सो यहाँ पे मैंने किचन को क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद अब मैं बनाऊँगी हलवा, जो बहुत ज़रूरी होता है भोग में। तो उससे पहले जो मेरा पनीर के मसाले था वो रेडी हो चुका था, तो बीच में मैंने पनीर को मिक्स कर दिया और बहुत थोड़ा सा पानी डाला था, हल्की ग्रेवी वाला बनाया था। सो पनीर डालने के बाद अब कर लेते हैं हलवा बनाने की तैयारी। तो आटे का हलवा बनाने वाली हूँ। सूजी घर में थी नहीं और मम्मी ने बोला कोई खाता है नहीं हलवा, तो सिर्फ हमें भोग के लिए बनाना है, तो ऐसा करो आटे का हलवा बना लो। तो आटे का हलवा बना रही हूँ और उसमें थोड़ा सा घी डाल दूँगी, क्योंकि गाय के उससे ही बनता है घी, और गोवर्धन भी उसके लिए ही पूजा जाता है, मतलब जो कृष्ण जी ने अपनी उंगली पे गोवर्धन को उठाया था, जब से गोवर्धन की पूजा होना स्टार्ट हुई थी। दिखाती हूँ इस तरीके से, दिखाने से तो उतना प्रॉपरली नहीं दिखेगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी बैक कैमरे से, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने बनाया है पनीर, जो हम पूरी के साथ खाने वाले हैं, और ये है सिंपल हलवा जो प्रसाद में भरा जाएगा, और खीर बनाई है और आलू गोभी की सब्जी बनाई है। तो जी चलिए आपको दिखा देती हूँ मैं बैक कैमरे से। और मैंने किचन जो है ऑलमोस्ट क्लीन कर दिया, क्योंकि बाद में ना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं तो मुझे धोने में बहुत दिक्कत होती है। तो मम्मी बना रही हैं बाहर पूड़ी, तो अभी लाइट आएगी फिर मैं आप सबके दिखाऊंगी, अगर नहीं भी दिखा पाई तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैंने इतना सारा किया है तो वो आप सबके साथ में मैंने शेयर कर दिया, और जो मैं नहीं कर पाती हूँ वो मैं नहीं कर पाती हूँ शेयर। तो जी चलिए पूजा करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी ना। तो जी लीजिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ बैक कैमरे से, इसमें मैंने बनाया है पनीर, क्योंकि पूड़ी से खाना है इसलिए थोड़ा पानी मैंने किया है, और इसमें है हलवा जो भोग में रखेंगे, जो गाय की थाली निकलेगी और गोवर्धन की जो थाली निकलेगी उसमें धरेंगे। और यहाँ पे ये है आलू गोभी, मस्त देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है ना, एकदम हलवाई स्टाइल। और इसमें है खीर, ये देखिए अभी गर्म है तो इसमें मैंने बनाई है खीर। और यहाँ पे रखी हुई है बहुत सारी मिठाई, जो कल के बाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, सारी बांट देंगे कल हम। और बस ये एक सूखी अभी खा रहा था खिचड़ी। तो यहाँ पे मैं आई बाहर तो लाइट आ चुकी थी, तो यहाँ पे ये लोग बना रहे थे पूड़ी, यक्षु खेल रहा है देखो गली में, और नाइट व्यू शायद मैंने फर्स्ट टाइम शेयर किया है, मैं कभी नाइट का बाहर का नहीं दिखाती हूँ, बस अंदर अंदर का। तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पे करने लग रहे थे पूजा की तैयारी। यक्षु के पापा इसको गोवर्धन जो बिठाया हुआ था इसको थोड़ा सा मोमबत्ती फूल वगैरह डालकर थोड़ा डेकोरेट कर रहे थे, और मैंने बहुत जगह पे देखा है कि मतलब बहुत अच्छे से जो कृष्ण जी की मूर्ति बनाते हैं, कोई कुछ बनाता है कोई कुछ बनाता है, बट हमारे यहाँ पे नहीं होता, ऐसे सिंपल सा करते हैं, तो मैं सिंपल सा ही आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मैंने प्रिपरेशन कर ली थी, एंड उसके बाद में ये चारों लोग, पहले हमारे यहाँ मतलब गोवर्धन की पूजा जो होती है वो जेंट्स लोग ही करते हैं, और उसके बाद में हम लोग इसमें जो मम्मी और मैं हम लोग बाद में परिक्रमा करेंगे। तो यहाँ पे इनकी पूजा हो गई थी, पूजा होने के बाद इन्होंने परिक्रमा अपनी कर ली। परिक्रमा करने के बाद में 7 बार ये लोग चक्र लगाते हैं, और जो लेडीज़ होती हैं वो करती है 3.5 बार। तो यहाँ पे पहले ये लोग कर लेंगे और उसके बाद में फिर हम, मैं और मम्मी करने वाले हैं। तो यहाँ पे इन लोगों की हो गई थी, तो अभी मैं आई हूँ और मम्मी, तो ये मेरे देवर जी हैं, इन्होंने कलावा बांधा है, और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे कर लें। और यक्षु को बड़ा मज़ा आ रहा था, मतलब इस फेस्टिवल पे सच में यक्षु ने बहुत इन्जॉय किया है इस बार, नहीं तो यक्षु ना मतलब हम कुछ भी करते थे ना रोने लगता था इसको, मतलब ऐसा लगता था कि ये क्यों करवा रहे हैं मेरे साथ, बट अब ये समझदार हो गया ना तो बहुत इन्जॉय किया इस बार इसने दिवाली, और अच्छा भी लगा देख कर कि इसको मतलब पसंद आ रहा है ये सब। ये मतलब इसने पहले अपने बाबा और के साथ में कर लिया था, फिर बोल रहा मम्मी मुझे आपके साथ में भी करना है, तो देखो यहाँ पे मेरे साथ में भी राउंड कर रहा है, मतलब चक्कर लगा रहा है। और उसके बाद में पूजा करने के बाद हम आ चुके सीधा किचन में, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था, तो सबको मैं खाना लगा कर दे दूँगी। और बना क्या था हमारे भोग में आपको पता ही है, पनीर की सब्जी बनी थी जो कि मतलब उस तरीके से खाने के लिए बनाई थी, और भोग का था खीर, हलवा, आलू गोभी की सब्जी और पूड़ी, ये थी भोग के लिए, और पनीर हम मैंने उस तरीके से खाने के लिए बनाया था। तो अभी हम लोग यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपनी और यक्षु के पापा की और यक्षु की थाली,
यक्षु को हम अभी फिलहाल में अपने साथ में ही खिलाते हैं खाना, अलग से उसको नहीं देते हैं। और इस बाल्टी में हमने रखी हुई थी पूड़ी, क्योंकि ना इसमें ना मतलब ढककर रख देते हैं तो हार्ड नहीं होती है। तो जी चलिए, हमने खाना खा लिया था एंड उसके बाद में लास्ट काम जो हमारा रहता है हर लेडीज़ का, चाहे फेस्टिवल हो चाहे कुछ भी हो, किचन आपको नीट एंड क्लीन करना ही करना, चाहे आप कितने भी थके हुए हो। और इस दिन तो मैं इतनी थकी हुई थी कि मेरी नींद भी कंप्लीट नहीं हुई थी जिस दिन हमारे यहाँ गोवर्धन था, क्योंकि 2 घंटे 2.5 घंटे सोने में किसी की भी नींद कंप्लीट नहीं होती, पूरे दिन पूरी रात का जगह हो, उससे पहले सफाई का बर्डन था, तो बॉडी इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बस अब कुछ नहीं करना, मतलब काम करने का मेरा मन नहीं कर रहा था। तो मैंने आधे बर्तन तो जो उस दिन धोने वाले थे ना वो मैंने खाली ही नहीं किए, क्योंकि मैं इतनी थक चुकी थी और मेरे से काम हो ही नहीं रहा था, पैर बिल्कुल भी नहीं उठ रहे थे, एकदम जैसे होता ना कि जाम से हो जाना वैसे हो गए थे। तो मेरा बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी काम करूं, बट हाँ जो हमने खाना खाया था वो बर्तन मैंने धो दिए थे, धोने के बाद फिर इनको रैक में लगाया, फिर सारी किचन साफ की, गैस वगैरह सब मैंने साफ़ करी, उसके बाद में फिर मैं सोई तो ऐसी सोई कि बस सुबह में सीधा आँख खुली, और सुबह में भी थोड़ा लेट से ही उठी थी, मतलब 7:15 हो गए थे उठने में। तो बस ये था कि उस दिन सबकी छुट्टी थी तो किसी ने कुछ बोला नहीं था, तो यहाँ पे मैंने किचन को साफ़ कर लिया, पोछा लगा लिया है, और जो टमाटर मैंने दिन में धोकर रखे थे उनको मैं फ्रिज में डाल दूँगी, और कुछ एक्स्ट्रा टमाटर लेकर आए थे तो वो खेत में से जो लेकर आते ना, तो जब हम खेत में से तोड़ते हैं ना तो वो जो बेचने वाले होते हैं वो पहले से धोकर रखते हैं, तो उनको हम मतलब ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश टमाटर जो होते हैं उनको। तो यहाँ पे ये फ्रूट्स थे, इनको मैं टोकरी में लगा दी हूँ, क्योंकि इस तरीके से रखते हैं ना तो चूहे चढ़ जाते हैं तो खा लेते हैं, तो इसमें रखूँगी ना तो चूहे ना भी चढ़े, इसलिए फिर मैं इसमें ही रख देती हूँ। और लास्ट काम जो मेरा रहता है वो ये रहता है कि यक्षु को और यक्षु के पापा को मुझे दूध बनाकर देना होता है। दूध बनाने के बाद मैं एकदम फ्री होती हूँ, फिर मैं चाहे अपना सोऊँ, चाहे मैं फ़ोन देखूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ, उसके बाद मैं फ्री हूँ। तो जी चलिए आज की वीडियो का एंड कर लेते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हैं तो सब्सक्राइब किया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।